आज मैं एक बहुत खूबसूरत वीडियो लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ वो है कि इंसानी के चेहरे और जिसम पर जो तिल होते हैं वो उस इंसान की शख्सियत के बारे में उसके नसीब के बारे में क्या कुछ बताते हैं तो ये एक बड़ी खूबसूरत वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है इस वीडियो को शुरू से लेके आप आखिर तक देखें आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि हर इंसान के चेहरे में किसी ना किसी हिस्से में कोई ना कोई तिल ज़रूर होता है और वो उसके लिए कभी कभी लकी होता है और कभी कभी वो उसके लिए अनलकी भी होता है तो ये हम आज इस टॉपिक पे बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंसानी चेहरे पे जो तिल है वो उसकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताती हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंसान के अगर बिल्कुल माथे भी इस जगह सेंटर पर अगर बहुत बड़ा तिल हो तो ऐसा इंसान बहुत मेहनती होता है तख्लीक सलाहियतों का मालिक होता है बहुत लगन और मेहनत के साथ अपना काम करते हैं और स्लो स्लो अपने कारोबार में बहुत तरक्की हासिल कर लेते हैं और अपने हाँ मसलों से बहुत आगे निकल जाते हैं तो इस तरह अगर इंसान के माथे के दाए जानब अगर तिल हो इस जगह पर तो ये तिल भी बहुत लकी समझा जाता है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दौलतमंद होते हैं लकी होते हैं ज़िंदगी के हर मैदान में बहुत कामयाब रहते हैं और दिल के भी बड़े साफ़ होते हैं इस तरह अगर माथे के बाएं जानब पे तिल हो तो ऐसे लोग भी बहुत कामयाब रहते हैं शुरू में इनकी ज़िंदगी में मुश्किल बहुत ज़्यादा आती हैं लेकिन ऐसा बंदा चूँकि बहुत मेहनती होता है बहुत खुददार होता है और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल करते हैं ऐसे लोग बहुत आजादाना सोच के मालिक होते हैं अपनी मर्ज़ी से जीना पसंद करते हैं और सख्त मेहनत और खुददारी की वजह से माशरे में एक अलम काम हासिल करने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं इसी तरह अगर नाक पे तिल हो कहीं पे भी हल्का सा तिल हो तो ऐसे लोग बड़े ख़ूबसूरत भी होते हैं बहुत हसास दिल के होते हैं और दूसरों का बड़ा ख्याल रखने वाले होते हैं मिलनसार होते हैं खुश मिजाज होते हैं आ, हर जगह ना वो महफिल की रौनक बन जाते हैं ऐसे लोग और बड़े अच्छे दिल के बड़े नाइस दोस्त होते हैं गरीबों की हेल्प करके इनको बड़ी खुशी होती है और ख़ुशकस्मत भी बहुत होते हैं और इनके पास दौलत भी बहुत ज़्यादा आती है इसी तरह जिन लोगों की ना इस नाक पे ये जो तो नाक है उसकी नोक पे तिल होता है तो ऐसे लोग भी थोड़े से ना सेहत के लिहाज से इनकी सेहत जल्दी ख़राब हो जाती है इसलिए इनको अपने दूसरे लोगों की नस्बत अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए फ़ास्ट फूड से परहेज़ करनी चाहिए आयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे इंसान का मैदा ख़राब हो जाता है हॉट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं तो इस तरह की चीज़ों से अगर ये परहेज़ करेंगे तो इनकी ना सेहत काफ़ी बेहतर रहेगी तो इसी तरह बाज़ दफ़ा बिल्कुल नाक के ऊपर सेंटर पर इस जगह पर तिल होता है तो ऐसे लोग बड़े शाह खर्चे होते हैं जनाब पैसे के मामले में खुले दिल के होते हैं कंजूस नहीं होते खुले दिल के साथ पैसा खर्च करते हैं और अल्लाह ताला फिर इनको देता भी बहुत है दूसरों की हेल्प भी करते हैं और जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को ज़रूर नवाजता है आ, ऐसे बंदे के पास कभी पैसे काम नहीं होते जो दूसरों को पैसे दे रहा होता है जो दूसरों को खाना खिला रहा होता है हेल्प कर रहा होता है इसी तरह जनाब अगर आपके नाक का ये जो नथना होता है इस पर अगर तिल हो तो ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं लेकिन जहाँ पे ख़र्च करना हो वहाँ पे कंजूसी नहीं करते इनके सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं फजूल ख़र्च नहीं होते इसी तरह अगर ये बाएँ नथने पे तिल हो छोटा सा तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से मुंतशिर जेन के होते हैं कोई भी काम ना यकसोई के साथ नहीं करते इनके ज़ेन में कुछ ना कुछ चलता रहता है कोई भी काम लगातार एक काम नहीं करते या अपने काम बदलते रहते हैं काम बदलते रहने की वजह से ऐसे लोग ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब नहीं होते क्योंकि इन्हें अपने करियर बनाने में बड़ा टाइम लगता है जब वो एक जगह कामयाब होने वाले होते हैं तो हो सकता है वो जॉब में आगे तरक्की मिलनी हो तो ये जॉब ही छोड़ दें तो उस वजह से ये अपने काम बदलने की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं हासिल करते लेकिन यह कि इनका गुजारा होता रहता है कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता लेकिन यह कि ये दूसरों लोगों का अहतम बड़ी जल्दी हासिल कर लेते हैं और इसकी वजह से ये ज़रूर ज़िंदगी में ना कामयाबी हासिल करते हैं अच्छा बाज़ दफ़ा ना आपकी आँख के थोड़ा सा ऊपर तिल होता है तो ऐसे लोग भी बड़े लकी होते हैं कामयाब होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं जनाब कि मुश्किल रिहाइश नहीं रखते आम तौर पर सफ़र करना पसंद करते हैं नगर नगर घूमते हैं आज़ादाना ज़िंदगी पसंद करते हैं घरेलू ज़िंदगी का बोझ उठाना पसंद नहीं करते तौर पर ये लोग शादी यादव करते नहीं हैं अगर करें भी तो बहुत लेट करते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि कौन बीवी का ख़र्चा उठाए बच्चों का बोझ उठाए कल उनकी पढ़ाई के खर्चे बर्दाश्त करें तो ऐसे लोग शादी के मंदिर में बंधना पसंद नहीं करते अगर शादी करें भी तो लेट करते हैं लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है क्योंकि ये जगह जगह पे नगर नगर घूमते हैं बिज़नेस करते हैं कारोबार करते हैं तो ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं तो कुछ लोगों के ना होंटों के ऊपर तिल होता है इस जगह पे। तो ऐसे लोग भी बड़े जनाब खूबसूरत होते हैं पुरकशिश होते हैं लेकिन किसी हद तक ना इनके अंदर मगरूरी आ जाती है और किसी हद तक ये खुदगर्जी भी आ जाती है तो अगर ये अपनी इस खामी पर काबू पा लें तो यकीन करें ये बड़े अच्छे दोस्त होते हैं बड़े प्यारे इंसान होते हैं सेंसिटिव इंसान होते हैं और ज़िंदगी में ज़रूर ये शोबिज़ में भी कामयाब होते हैं और बहुत तरक्की करते हैं और इसी तरह कुछ लोगों के होंटों के ना होंटों बेतिल होते हैं नीचे की तरफ तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं वफादार होते हैं दूसरों के काम आना उनकी हेल्प करना उनकी मदद करके इनको बड़ी खुशी होती है मेहनती होते हैं हर वक्त कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं इनके एक काम चोर नहीं होते और खाना बनाने के भी बड़े माहिर होते हैं और ख़ुद भी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और आम तौर पर बड़े दौलतमंद होते हैं मीराना ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी में बड़े कामयाब रहते हैं अब आपको जनाब बताता हूँ कि बाज़ दफ़ा ना गले के बिल्कुल दरमियान में गले के नीचे बिल्कुल दरमियान में नीचे बड़ा सा तिल होता है तो ऐसे लोग इंटरनेशनल शहरत हासिल करते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं बड़ा इनके पास कॉन्फिडेंस होता है मोहतरमा बेर भुट्टो के गले के नीचे भी बहुत बड़ा तिल था तो लेकिन ये इन लोगों की एक बेड लक ये होती है इनके साथ कि ये आमतौर पर हादसाती मौत का शिकार हो जाते हैं जवानी में इनकी डेथ हो जाती है और आमतौर पर इनको चोट सर पे लगती है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है तो ये चीज़ इनके लिए थोड़ी सी होती है इसी तरह अगर गर्दन के साइड पर अगर तिल हो दरमियान में थोड़ा सा साइड पर तिल हो तो ऐसे लोग भी आमतौर पर शव में बहुत तरक्की करते हैं आ, इंटरनेशनल शहरत हासिल करते हैं और आमतौर पर देखेंगे आपको कि ज़्यादातर एक्ट्रेस या कोई एक्टर हो तो आपको उसके गले के बाएं जाने पे कहीं ना कहीं आपको तिल नज़र आएगा तो ये ऐसे लोग इंटरनेशनल शहरत हासिल करते हैं बहुत लकी होते हैं और बड़े तख्लीकी कामों के माहिर होते हैं आमतौर पर प्रोड्यूसर या आप कह लें एक्टर ये उन कामों में बड़े ज़बरदस्त कामयाब रहते हैं और इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है बड़े सेंसिटिव दिल के होते हैं हसास होते हैं और आम तौर पर ज़्यादातर मैंने शोबिस से रिलेटेड लोगों को देखा है जिनकी गर्दन के साइड पे तिल होता है इसी तरह जिन लोगों की गर्दन के पीछे तिल होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं ऐसे लोग ज़िंदगी में सख्त मेहनत तो करते हैं लेकिन बब्रेपन की वजह से बस दफ़ा ये अपना नुकसान कर लेते हैं लेकिन सख्त मेहनत की वजह से ये पैसा इनके हाथ में हमेशा रहता है और ये ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब कामयाबी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा उदा ज़रूर हासिल करते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं ये भी सफ़र करना पसंद करते हैं और इस सफ़र में भी इनको काफ़ी कुछ हासिल होता है इसी तरह जनाब ओंटों एक तो होता है ऊंट के साथ तिली के होते हैं ऊंटों से थोड़ा ऊपर की तरफ तील इस जगह पर या इस जगह पर तो ऐसे लोग थोड़े तन्हाई के शिकार होते हैं किसी को भी अपने अंदर झांकने की इजाज़त नहीं देते थोड़ा सा रि रिजर्व ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरों में इतनी जल्दी गुलते मिलते नहीं हैं ख़ूबसूरत बहुत होते हैं आम तौर पर शोबिज़ में आ जाते हैं अपनी ख़ूबसूरती की वजह से लेकिन एक मगरूरी एक अखड़पन एक बेवफाई इनके अंदर पाई जाती है ये आम तौर पर इतनी जल्दी किसी के साथ ना दोस्ती करते हैं और ना ये वफादार होते हैं इसके अलावा <coughs> जिन लोगों की ना आंख के पास तिल होता है इस जगह पे इस जगह पे जो तिल होता है ऐसे लोग भी बड़े ख़ूबसूरत दिल के मालक होते हैं बड़े मेहनती होते हैं लकी होते हैं और बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत खुश मजाक तबीयत के होते हैं बड़े जल्दी ये दोस्त बना लेते हैं और ज़िंदगी में बड़े कामयाब रहते हैं अब जनाब सीने पे तिल तो सीने पे तिल में आपको बताता हूँ सीने पे तिल हमेशा लकी समझा जाता है जिन लोगों के सीने में बिल्कुल सेंटर में तिल हो तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े खुश मिजाज तो होते हैं लेकिन इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं माली मुश्किल का सामना करना पड़ता है लेकिन ऐसे लोग अपनी अक्लमंदी और जहानत की वजह से इन मुश्किल पर काबू पा लेते हैं और ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं इसी तरह अगर आपके सीने के दाएं तरफ दिल है तो ऐसे लोग बड़े प्यार करने वाले बड़े नरम जार लोग होते हैं ऐसे लोगों को बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है ख़ास कर ये अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उसमें ये अल्लाह ताला इनको दौलत भी देता है और ये बड़े लकी होते हैं और ज़िंदगी में बड़े कामयाब रहते हैं इसी तरह अगर आपके बाएँ सीने पर अगर तिल हो तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मुश्किल ज़रूर आती हैं लेकिन ये लोग अपनी मुस्तिल मजाजी की वजह से इन मुश्किल पर काबू पाते हैं और ज़िंदगी में ज़रूर कारोबार हो तो कारोबार में तरक्की करते हैं और जॉब में भी तरक्की करते हैं ज़रूर आप मुश्किल के बावजूद या अपनी मेहनत के बल होते पे अपनी मुश्किल को दूर करते हैं और ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब रहते हैं इसके अलावा जनाब जिन लोगों की ज़बान पर तिल होता है तो ऐसे लोग भी बड़े पुरकशिश होते हैं बड़े ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक होते हैं हालात से जल्दी नहीं घबराते और इनकी सोच भी बड़ी पॉजिटिव होती है नेगेटिव पहलू भी ये गौर ज़रूर करते हैं उन पर भी इनके हर चीज़ के अच्छे और बुरे पहलुओं पर ये गौर करते हैं और बड़ी ख़ूबसूरत शख्सियत के मालक होते हैं इसी तरह जनाब आपके दाए गाल पर अगर तिल तो तो हो तो ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और ज़िंदगी में बड़े लकी भी होते हैं बड़ी दौलत कमाते हैं पैसा कमाते हैं मैंने ऐसे लोगों को बड़ा कामयाब देखा है जिनके गाल पे तिल होता है और ये इस चीज़ की भी भीमत होता है कि ऐसे लोग ज़रूर किसी ना किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं और यह अपनी मोहब्बत को ज़रूर हासिल करने में भी कामयाब हो जाते हैं इसी तरह अगर दाएँ कंधे पर तिल हो तो ऐसे लोग काफ़ी होशियार बहादुर होते हैं सख्त मेहनती होते हैं ज़िंदगी में काफ़ी दौलत कमाते हैं और बहुत कामयाब होते हैं इसी तरह बाएँ जानब कंधे पे तिल हो तो ऐसे लोग थोड़े से जल्दी गु़स्से में आ जाते हैं एग्रेसिव होते हैं जल्दबाज़ होते हैं जज्बाती होते हैं लेकिन ये अपनी मेहनत लगन की वजह से ज़िंदगी में अपनी मुश्किल पर ज़रूर काबू पाते हैं और ज़रूर कामयाब होते हैं अच्छा कुछ लोगों की ना जो आँख की सफेदी होती है उसमें भी तिल पाया जाता है इस जगह पर तो ऐसे लोग जो होते हैं ये ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होते हैं और खुशकस्मत भी होते हैं लेकिन थोड़े से खुद होते हैं खुद जो है ना वो इनके अंदर थोड़ी सी पाई जाती है इन्हें इस चीज़ पे काबू पाना चाहिए तो वैसे इनकी शख्सियत बड़ी पुरकशिश होती है खूबसूरत होते हैं और जिन लोगों के दाएँ हाथ पर तिल हो किसी जगह पर भी तो बहुत मेहनती होते हैं अपनी मेहनत के बल बोते पर ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होते हैं अच्छा बड़े कमिट जो अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं ठीक है कमटमेंट होते हैं और ये वादे के बहुत पक्के होते हैं अपनी कमिटमेंट सही करते हैं और ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और बहुत तरक्की करते हैं इस तरह बाएँ हाथ पर तिल हो तो ऐसे बंदे की ज़िंदगी में मुश्किल काफ़ी आती हैं लेकिन बंदा अपनी मुश्किल को बड़े हौसले के साथ मेहनत के साथ इन पर काबू पाता है और ज़रूर कामयाब होता है इस तरह ये ना कान से ऊपर और बिल्कुल माथे की बिल्कुल आंख से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर इस जगह पे तिल हो तो ऐसे लोग भी जनाब बड़े सफ़र करने वाले होते हैं बड़े लकी होते हैं और ऐसे लोग भी बड़े कामयाब होते हैं इमेजिनेशन इनकी बड़ी हाई होती है रूहानियत की तरफ माइल होते हैं और रूहानियत में बड़ी तरक्की करते हैं धीमे मजाज के होते हैं और बड़े खुश मिजाज होते हैं और लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं और लोगों को ये बड़ी जल्दी दोस्त बना लेते हैं इस तरह ये जो आपकी आई है यहाँ पे भी तिल हो सकता है जिन लोगों का यहाँ पे तिल होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जनाब स्टडी में कामयाब होते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और अधिक आप देखेंगे तो इनके ना हाथों तो में अक्सर आपको बुक नज़र आएगी तो ये तालीमी मैदान में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं और बज़ दफ़ा ये गोल्ड मेडल तक हासिल कर लेते हैं इसी तरह कुछ लोगों के पाँव पर तिल होता है तो उनके बारे में भी मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया घूम लेते हैं और इनके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है और ये काफ़ी दौलतमंद भी होते हैं और बहुत कामयाब रहते हैं इसी तरह जनाब आपकी अगर दाएँ कान पर तिल है किसी भी जगह पर तो ये ऐसे लोग भी माशा अच्छी सूझ बूझ के मालिक होते हैं और बड़ी सेंसिटिव होते हैं एहसास होते हैं मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल बोते पर ये जरूर कामयाबी हासिल करते हैं बाया कान पे अगर तिल हो ये थोड़ा सा बैड लक होता है ऐसे बंदे के लिए क्योंकि बायाँ जो जब भी आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बंदे के लिए आती हैं लेकिन ऐसे लोग भी बड़े सेंसिबल होते हैं एहसास होते हैं बड़े फ्रेंडली तबीयत के मालिक होते हैं और ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं इसके अलावा ये ठोड़ी पे इस जगह पे तिल थोड़ा सा साइड पे ऐसे लोग तनहाई पसंद होते हैं खूबसूरत होते हैं लेकिन थोड़ी सी खुदगर्जी इनमें भी पाई जाती है और शोबिस से भी रिलेटेड होते हैं आमतौर पर शोबीज़ में मैंने एक्टरों को भी देखा एक्ट्रेस को भी देखे तो ये इनके चेहरे पे ये इस जगह पे तिल देखा गया तो इसी तरह बिल्कुल ठोड़ी के दरमियान में तिल ऐसे लोग भी बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक होते हैं आमतौर पर इनको भी शोबिस में देखा गया और ये बड़ी तरक्की करते हैं शोबिस में काफ़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं जिनके ठोड़ी पे तिल होता है या ठोड़ी के दरमियान में तिल होता है लेकिन थोड़ी सी खुदगर्जी इनके में पाई जाती है तो अगर ये इन चीज़ों पर काबू पा लें तो ये आ, काफ़ी कामयाब हो सकते हैं अच्छा कुछ लोगों की ना गर्दन के पीछे तिल होता है ऐसे लोग भी बड़े खूबसूरत सेंसटिव तबीयत के मालिक होते हैं अपनी मेहनत और कामयाबी और लगन की वजह से ज़रूर ज़िंदगी में तरक्की करते हैं अच्छा एक और बात है जब आप हाथ की लाइनों में तिल देखते हैं ना तो वहाँ हाथ की लाइनों में आम तौर पर तिल को अच्छा नहीं समझा गया अगर ज़िंदगी की लकीर के ऊपर आपको तिल नज़र आता है तो ये इस बात की लामत होता है कि इस टाइम उस पीरियड में जिस ज़िंदगी के जिस हिस्से में वो तिल होगा उस हिस्से में आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं और इसी तरह अगर दमाग की लकीर पर अगर आपको कोई तिल नज़र आता है तो उस टाइम आपको शदीद कोई ज़हनी टेंशन का सामना करना पड़ेगा कोई ऐसी ज़हनी टेंशन आपको मिलेगी जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी काफ़ी अरसा डिस्टर्ब रहेगी साल दो साल तक तो इसी तरह अगर दिल की लकीर पर अगर आपको ये तिल नज़र आता है एक या दो तिल ब्राउन कलर के या रेडिश कलर के नज़र आते हैं तो ये भी हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों को ज़ाहिर करते हैं तो अगर ये सफ़र की लकीर पे तिल नज़र आ जाए उबारे कमर पे भी तो ये सफ़र में रुकावट को ज़ाहिर करते हैं कि सफ़र में आप मुश्किल पेश आएँगी या बैरून मल्क सेटल होने की कोशिश करेंगे तो वो किसी सूरत भी वहाँ पर पे आपके पेपर नहीं बनेंगे आपकी मुश्किल में इजाफा होगा तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी उम्मीद है कि आप मेरी इस मेहनत को ज़रूर सराहेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ तो काइंडली मेरी हौसला अफजाई जरूर करें मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ हाफिज़